ये क्या है? माजी के देखे हुए लाखों लोग ये क्यों? ना ना चले माला ऐसा नहीं चले बाप अधर्म अनाथ देवता की माला इस माजी के गले में हमारे देवता का ये अपमान गांव के चोकरे चोकरियों पर इसका क्या असर पड़ेगा हम शांत आइयो शांति से बात दो हमारे सामने ये अनर्थ हो और हम शांत रहे ये दोनों पापी हैं इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए किसी को सजा देना या ना देना पुजारी जी के हाथ में है और पुजारी जी अपने फर्ज को अच्छी तरह जानते हैं आप चुप क्यों हैं पुजारी जी क्या आप चाहते हैं कि गांव में अनाचार फैल जाए नहीं मेरी जीती जी ऐसा कभी ना होगा नहीं नहीं तूने देवता की ये पवित्र माला माझी को क्यों पहनाई बोलो नैनी जवाब दो यही मेरी केस बात माथे पर बड़े बड़े तिलक लगाकर रंगे कपड़ों की ओर से पराई बहु बेटियों को घूरना पाप नहीं हमारा पवित्र प्रेम पाप है जुए सट्टे और शराब में बाप दादा की कमाई फूंक कर बीवी और बच्चों को फागे कराना घर की सती और साधवी स्त्रियों को ठुकरा कर बाजारों में चक्कर काटना पाप नहीं हमारा पवित्र प्रेम पाप है राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम को भी तो पाप समझा गया था लेकिन आज उन्हीं को भगवान मानकर संसार उनकी पूजा करता है पवित्र प्रेम तो भगवान की देन है फिर वो पाप हुआ या प्रसाद बोलिए जवाब दीजिए जवाब आइए देखिए पुजारी जी महाराज साधु जी भाइयों बहनों नीच माजी ने देवी की मूर्ति बनाई है या इस नर्तकी की हमारी रक्षा करने वाली देवी माता की अपमान पाप के ऊपर पाप माजी घोर अपराध किया है तूने इस अपराध की से पूरी पुलिस सजा मिलनी चाहिए सजा माजी को नहीं इस नैनिया को तो जो सारे फसाद की जड़ है नहीं नहीं इनका कोई दोष नहीं अगर ये अपराध है तो इसकी सजा मुझे दीजिए ठहरो ठहरो ये क्या करते हो ठाकुर तुम भाइयो ये साधु नहीं है ये साधु नहीं ये ढोंगी है किधर ध्यान है किधर मारो इस पापी को इसी के कारण ये सब पाप हुआ है ये